हेलो, हाउ आर यू ऑल? आई एम श्योर अभी तक आपका तैयारी बीकॉम फर्स्ट सेमेस्टर का अच्छे से चल रहा होगा, लेकिन उतना सा जोश नहीं आया अभी तक नहीं चल हुआ होगा। तो अब से एक सीरीज ऑफ वीडियोस लेके आ रहे हैं आपके तैयारी के लिए, फास्ट ट्रैक रिवीजन के लिए। आज का टॉपिक अपना प्रोविजन फॉर वायरल डाउटफुल डेट्स है, प्रोविजन रिजर्व और चैप्टर है नो डाउट। एंड इस एक वीडियो के अंदर में आपको पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा, हार्डली 15-20 मिनट्स लगेगा, इंक्लूडिंग ऑल द इंट्रोडक्शन। पूरा पोर्शन को अच्छे से देखना, इस एक वीडियो में 8 नंबर आपके आ जाएंगे। एंड कमेंट सेक्शन में जरूर देखें कि और किस चैप्टर का वीडियोस का जरूरत है आपको। क्लियर? सो हियर वी गो विद द चैप्टर, स्टार्ट लर्निंग प्रोविजंस एंड रिजर्व्स का ये चैप्टर है ना, थियोरेटिकली भी इंपॉर्टेंट है बहुत ज्यादा अपने बीकॉम में, एंड इससे प्रैक्टिकल क्वेश्चन भी आता है, एंड बहुत ही छोटा क्वेश्चन होता है, एंड मतलब इजी टू अटेम्प्ट क्वेश्चन होता है बेसिकली। अगर आपको ध्यान से हो ना, दैट अपने सीकर पेपर को का अगर आप एनालिसिस की पार्ट ए में आपको 8 क्वेश्चन करना होता है, सॉरी 8 क्वेश्चन दिया हुआ रहता है, उसमें से करना कितना होता है अटेम्प्ट? 4, कोई भी 4 आपको अटेम्प्ट करना है, राइट? तो जिसमें से एक ये चैप्टर बहुत ईजी है। अच्छा, कन्फर्म आने वाला चैप्टर तो है इसका, सारा का सारा ही वैसे देखा जाए तो ये चैप्टर से कन्फर्म हर बार देखो क्वेश्चन आ रहा है आपका, सेल एंड अप्रूवल बेसिस है आपका, सेल बैलेंसिंग है आपका, रेक्टिफिकेशन है, इस तरह से कंसाइनमेंट तो खैर है ही। तो कंसाइनमेंट वगैरह क्या होता है, थोड़ा सा कई बार कैलकुलेशन बेस अगर किसी को टफ लग जाए तो ठीक है ना, ये सब चैप्टर्स भी हैं। ये चैप्टर क्या चीज से रिलेटेड है, प्रोविजंस एंड रिजर्व्स? तो थियोरिटिकली मालूम है दैट देयर इज अ बिग डिफरेंस बिटवीन प्रोविजन एंड रिजर्व, दोनों दिखने में तो एक जैसा होता है, बट प्रोविजंस आर कॉल्ड चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट। इफ यू रिमेंबर थ्योरी बुक क्लास 11 तो से बहुत इंपॉर्टेंट है, provisions are called charge against profit and reserves are appropriation of profit. provision हम लोग create करते हैं क्या चीज के लिए, for some known liability or for some known losses जिसका amount calculate किया जा सकता है, but exactly amount नहीं मालूम, शायद कम बेसी भी हो सकता है। जैसे मेरे यहां पे मैंने अभी काम कराया था रिनोवेशन का, 31st मार्च तक मेरा काम कंप्लीट नहीं हुआ था, या ज्यादा कंप्लीट हो तो गया था, बट मिस्त्री ने मेरे को फाइनल अपना बिल सबमिट नहीं किया था कि दैट कितना रुपया उसको मेरे से मिलना बाकी है। अब मैं जब 31st मार्च का जब फाइनल अकाउंट्स बना रहा तो मेरे लिए आउटस्टैंडिंग रिपेयर्स है, बट एग्जैक्ट अमाउंट नहीं मालूम, बट मेरे को जितना काम कराया था उसके मुझे मालूम है शायद मोटा मोटी कितना 50-60 हजार रुपया होगा बाकी शायद। तो फॉलोइंग द एक्चुअल प्रिंसिपल, एक्चुअल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग एक्चुअल प्रिंसिपल, मुझे उस आउटस्टैंडिंग रिपेयर्स को बुक्स में रिकॉर्ड करना चाहिए, बट एग्जैक्ट अमाउंट नहीं मालूम है ना, इसीलिए मैं रिपेयर्स अकाउंट डेबिट टू आउटस्टैंडिंग रिपेयर्स एंट्री पास नहीं कर सकता। तो मुझे एंट्री पास करनी चाहिए रिपेयर्स अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन फॉर आउटस्टैंडिंग रिपेयर्स, टू प्रोविजन फॉर आउटस्टैंडिंग रिपेयर्स। ये प्रोविजन इज अ चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट, ये पीएल अकाउंट के डेबिट में आएगा। ये क्यों बना रहा है? फॉर अ नोन लाइबिलिटी, कि रिपेयर्स का खर्चा लगे तो नोन है, एग्जैक्ट अमाउंट नहीं मालूम अपने को, बट द पॉइंट। तो उसके लिए मुझे क्या है, प्रोविजन 50,000 का, 55 का, 60 का, कोई भी अमाउंट का मैं प्रोविजन बना सकता हूं। रिजर्व होता है एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट, जनरल रिजर्व, रिजर्व फंड, कैपिटल रिजर्व। रिजर्व क्या है, नेट प्रॉफिट निकल गया, नेट प्रॉफिट निकलने के बाद, नेट प्रॉफिट निकलने के बाद, नेट प्रॉफिट का कुछ पोर्शन कंपनी अपने ओनर्स को डिस्ट्रीब्यूट नहीं कर रहा है, कंपनी अपने पास में रख ले रहा है। व्हाई? टू स्ट्रेंथन द फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द बिजनेस। बिजनेस को जो प्रॉफिट हो रहा है, अगर वो पूरा प्रॉफिट अगर ओनर को दे दे, ओनर अगर विड्रॉ करके अपने घर ले जाए, तो फ्यूचर में बिजनेस को एक्सपेंशन के लिए और पैसा चाहिएगा तो कहां से आएगा, फिर वापस ओनर से मांगना पड़ेगा। तो बिजनेस को इंटरनली स्ट्रांग करने के लिए रिजर्व्स क्रिएट किया जाता है। रिजर्व्स आर एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट। क्लास 11-12 में आप लोग फाइनल अकाउंट भी किए थे एंड आप लोग पार्टनरशिप में एप्रोप्रिएशन ऑफ अकाउंट भी किए थे, उस एंगल से डिफरेंस को समझो। तो प्रोविजंस पीएल अकाउंट में डेबिट होता है, व्हाई? बिकॉज दे आर चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट, मतलब नेट प्रॉफिट निकालने से पहले ही वो डिडक्ट हो जाएगा, डेबिट हो जाएगा, नेट प्रॉफिट निकालने के लिए उनको कंसिडर किया जाएगा। दे आर कॉल्ड चार्ज अगेंस्ट फॉर द मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्ड, एंड रिजर्व्स आर एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट। नेट प्रॉफिट निकल गया उसके बाद से रिजर्व हो, कहने का मतलब क्या मालूम है, प्रॉफिट है या नहीं है
रिजर्व तो बनाना, एज प्रोविजन तो बनाना पड़ेगा। अगर प्रॉफिट नहीं है तो भी प्रोविजन क्रिएट करना पड़ता है, बट रिजर्व्स प्रॉफिट के बिना क्रिएट हो ही नहीं सकता। कि प्रॉफिट होगा तब भी तो प्रॉफिट का कुछ पोर्शन रिजर्व में अलग डालेंगे। बात समझ में आ रहा है? देयर इज लॉ से केस में यू कैनॉट क्रिएट अ रिजर्व, बट प्रोविजन कैन बी क्रिएटेड इफ वेदर देयर इज प्रॉफिट और देयर इज लॉस। सो मोस्ट इंपॉर्टेंट, बार बार एक बात, एक वर्ड को क्या रिपीट कर रहा हूं, प्रोविजन आर चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट, रिजर्व्स आर एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट। अकाउंटिंग सेंस में क्या बताए, प्रोविजंस पीएल अकाउंट के डेबिट में आता है, रिजर्व्स पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट के डेबिट में आता है। प्रोविजन क्यों क्रिएट किया जाता है, टू प्रोविजन क्रिएट किया जाता है टू मीट सम लॉस और अ लाइबिलिटी, टू प्रोवाइड फॉर सम लॉस और टू मीट अ लाइबिलिटी। रिजर्व किया जाता है टू स्ट्रेंथन द फाइनेंशियल पोजिशन ऑफ द बिजनेस। इसके अंदर प्रोविजन क्रिएट करना, प्रोविजन क्रिएट करना कंपल्सरी है, करना ही पड़ेगा। प्रॉफिट है नहीं बताए थे, पर रिजर्व क्रिएट करना ऑप्शनल, कमी चाहे तो कर सकते, चाहे तो ना भी करे। ओके, मैथ में रिजर्व एंड प्रोविजन का शॉर्ट नोट दिया हुआ है, राइट एक बार आप इसको गो थ्रू हो जाओगे, ठीक है ना। रिजर्व एंड प्रोविजन का शॉर्ट नोट दिया हुआ है, इसको फटाफट गो थ्रू हो जाओ, इस पोर्शन को एक ये डिफरेंसेस भी देख लोगे स्क्रीन पे, प्रोविजंस एंड रिजर्व्स का डिफरेंस, ठीक है। बहुत मेजरली दैट प्रोविजंस आर चार्ज ऑन प्रॉफिट्स, चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट्स, रिजर्व्स आर एन एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट, राइट। एक बार स्क्रीन पे देख लोगे फटाफट इनको। So, next is, accounting effect, to create a provision, profit and loss account is debited, to create a reserve, profit and loss appropriation account is debited, right? ये दो तीन बातें याद रहेगी हमेशा के लिए। अभी ना प्रॉब्लम क्या मालूम है, लेकिन अपने अकाउंट्स में ना कई जगह प्रोविजन रिजर्व वर्ड को इंटरचेंजेबली लोग यूज कर लेते हैं। इंटरचेंजेबली यूज करने का मतलब है, प्रोविजन के जगह रिजर्व वर्ड यूज कर लेते हैं, रिजर्व के जगह प्रोविजन। मोस्ट कॉमन इफ यू रिमेंबर, प्रोविजन फॉर बैड डेट्स या प्रोविजन फॉर बैड एंड डाउटफुल डेट्स, बट कहीं 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 कोई क्वेश्चन फाइनल अकाउंट में दिया हो रहता है रिजर्व फॉर बैड डेट्स या रिजर्व फॉर बैड एंड डाउटफुल डेट्स, लेकिन वो है दोनों एक ही मतलब। बैड डेट होने वाला है मेरा साल के एंड में, प्रोविजन फॉर बैड डेट का कॉन्सेप्ट क्या था, या प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर्स याद है, क्लास लेटर्स ही वर्ड्स बार बार आए हैं। प्रोविजन फॉर बैड एंड डाउटफुल डेट्स होता क्या है, आप 31 मार्च 2022 का फाइनल अकाउंट्स बना रहे हो, आपने देखा आपका ट्रायल बैलेंस में सन्डी डेटर्स आपको दिख रहा 10 लाख रुपए का, मतलब 10 लाख रुपए आपको अपने डिफरेंट कस्टमर से मिलना बाकी है, राइट right? अब आप डेटर्स का लिस्ट को बैठ के चेक करने लगे, उसमें बैनर्जी चैटर्जी मुखर्जी गुप्ता बैनर्जी सब है, आप देखा उसमें से किसी से 2 लाख मिलना बाकी, किसी 50,000, किसी का 40,000, किसी का ये वो, आप देखा इसमें से लगता है कि शायद 50,000 तो डूबेगा। ये 3 आदमी है, ये बहुत दिन से लापता है, अता पता लापता है, या बहुत दिन से कोशिश भी कर रहा है, पैसा नहीं आ रहा है, या आपको पता है इनका फाइनेंशियल हालत बहुत ही खराब है, अब कोई चांस नहीं है शायद मिलने का, बट अभी तक डूबा नहीं है, अभी तक पार्टी इंस्टॉलमेंट डिक्लेयर हुआ नहीं है। आप 31st मैंने क्या बोला, 31 मार्च 2022 का बैलेंस शीट बना रहे हो, आपको ट्रायल बैलेंस है आपके पास, आपको फाइनल अकाउंट्स बनाना है अपना, डेटस 10 लाख का है, जो एक्चुअल में बैड डेट हो जाता है उसको तो पीएल के डेबिट में लिख देते हैं, हाँ है ना, या जो फर्दर बैड डेट भी होता है उसको आप बैड डेट अकाउंट डेबिट टू डेटस, डेटस से लेस करते हो पीएल के डेबिट में लिख देते हो, याद आ रहा है ना। बट ये आदमी जो 50,000 के हैं अभी तक डूबे नहीं है, बट आपको भाई एक्सपीरियंस समझ में आ रहा है यार ये तो शायद डूबेगा, या बाय एक्सपीरियंस आपको हर साल मालूम है, हर साल जितना डेटस बचता है ना उसमें से मोटा मोटी 10-1% डूबता ही है, कलेक्शन नहीं हो पाता है, या आपके बिजनेस में ऐसा है, आप जानते हो बाय एक्सपीरियंस पिछले साल से बिजनेस कर रहे हो। तो करना क्या चाहिए सर, आपको अपना बिजनेस का ट्रू नेट प्रॉफिट निकालने के लिए फॉलोइंग द प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेटिज्म, याद आ रहा है प्रूडेंस प्रिंसिपल जिसको बोलते हैं, कि एंटिसिपेट एंड प्रोवाइड फॉर ऑल लॉसेस बट डू नॉट एंटिसिपेट एनी गेन्स।
उस प्रिंसिपल को ध्यान में रखते हुए आपको अपने डेटर्स के ऊपर में 5 या 10% प्रोविजन क्रिएट करना चाहिए। आपको याद होगा फाइनल अकाउंट में क्या ट्रीटमेंट करते हो, इसको पीएल में डेबिट करते हो और डेटर्स से लेस करते हो। इस चैप्टर में प्रैक्टिकल्स इसी चीज से रिलेटेड आता है रिगार्डिंग प्रोविजन फॉर बैड एंड डाउटफुल डेट्स। जो बताने जा रहा था कई बार प्रोविजन की जगह रिजर्व फॉर बैड एंड डाउटफुल डेट वर्ड भी यूज किया जाता है, बट उसका मतलब ये नहीं है कि वो रिजर्व हो गया, एप्रोप्रिएशन प्रॉफिट हो गया है तो वो भी चार्जिंग इज प्रॉफिट है। अकाउंटेंसी ऑथर्स के पास वर्ड को इंटरचेंजेबली यूज कर लेते हैं, मतलब नहीं है, ठीक है। तो जो पहले आपको जो बताया था प्रोविजन रिजर्व, वो सिर्फ थ्योरी के लिए बताया था, डिफरेंस हम लोग प्रैक्टिकल एस्पेक्ट्स में आएंगे। ये तीन बातें आपको ध्यान में आ रही, प्रोविजन फॉर बैड एंड डाउटफुल डेट्स, इस नाम से भी कहीं मुलाकात नहीं परिचय हुआ होगा, फाइनल अकाउंट्स में भी, ट्रायल बैलेंस में भी, प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर्स से भी मुलाकात हुई है, और एक है प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन क्रेडिटर्स। इस चैप्टर में हमको इनका अकाउंटिंग ट्रीटमेंट, जर्नल एंट्रीज, इनका लेजर अकाउंट कैसे बनता है। मुझे अब एक चीज बताओ, प्रोविजन फॉर बैड एंड डाउटफुल डेट्स का रिश्ता किससे होता है? डेटर से तो होता है, बट हम लोग प्रोविजन फॉर बैड एंड डाउटफुल डेट्स बना के क्यों रखते हैं? टू मीट द लॉस ऑफ बैड डेट्स, आया ना? मैंने क्या बोला, मेरा डेटर्स का लिस्ट में से मुझे लगता है कि शायद 50,000 का डेटर्स ऐसा है जो शायद डूबेगा। ये लॉस है इस साल का, बट होगा एक्चुअल में लॉस अगले साल। तो इस लॉस को मीट करने के लिए इसी साल मैं अपने प्रॉफिट को घटा देता हूं, पीएल अकाउंट में डेबिट करता हूं, मैं प्रॉफिट को थोड़ा अलग करके प्रोविजन बना के रख देता हूं। यही तो होता है प्रोविजन, हाँ है ना? मैं अपने प्रॉफिट को घटा देता हूं बैड डेट को, कि लॉस का झटका को एब्जॉर्ब करने के लिए। तो कहने का मतलब है प्रोविजन फॉर बैड एंड डाउटफुल डेट्स, या प्रोविजन फॉर बैड डेट बोलते हैं इसको, इस अकाउंट का ये इसका रिश्ता क्या जिससे बैड डेट के साथ, ऑब्वियसली डेटर्स को भी बनाते हैं। उसी तरह प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर्स का रिश्ता किसके साथ होता है? डिस्काउंट अलाउड के साथ, क्लियर? एंड प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन क्रेडिटर्स का रिश्ता किसके साथ होता है? डिस्काउंट रिसीव्ड के साथ, क्लियर? अब ये अकाउंट्स कैसे बनेंगे, इनका जर्नल एंट्रीज क्या होता है, आप लोगों को ये सारा कुछ डिस्कस करना है। इस चैप्टर का अकाउंटिंग एस्पेक्ट्स आपको मैंने डायरेक्ट सम्स के थ्रू समझाता हूं, बहुत सिंपल सा है, बहुत इजी सा होता है, ठीक है? आप अपने स्टडी मटेरियल्स में आ जाओ, आप ये आपके सामने स्क्रीन पे क्वेश्चन नंबर 1 है। आप किस तरह क्वेश्चन अपने एग्जाम में आता है ना सीयू में, वो देखो। द ट्रायल बैलेंस ऑफ छोटू लाल शुड द फॉलोइंग बैलेंसेस एज ऑन 31st December 2014। समझ गया, छोटू सा होता है, इसे नाम भी हमने छोटू लाल दिया, राइट? द ट्रायल बैलेंस ऑफ छोटू लाल शुड द फॉलोइंग बैलेंसेस ऑन 31st December 2014। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स 50,000 पे है, प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर्स 28,000 है, डेटर्स 6,04,000 है, बैड डेट 56,000, डिस्काउंट 22,000 है। यू रिक्वायर टू मेंटेन अ प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स 10% ऑन डेटर्स एंड अ प्रोविजन डिस्काउंट एट 5%। शो द नेसेसरी लेजर अकाउंट्स, शो द नेसेसरी लेजर अकाउंट्स, ये आपको बनाने बोला है, ठीक है? हमने क्या बोला सर, प्रोविजन फॉर, क्वेश्चन में नजर रखिए, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट का रिश्ता किसके साथ होता है? बैड डेट के साथ में होता है। प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर्स का रिश्ता किसके साथ होता है? डिस्काउंट अलाउड के साथ होता है, ठीक है? एक बात बताइए, चलो ठीक है, अपने को लेजर्स बनाने बोला है, लेट अस कम ऑन बी क्विक, ड्रॉ द लेजर अकाउंट्स। लेजर्स ज्यादा बड़ा बड़ा नहीं बनेगा अपना, ठीक है ना? तो पहले बैड डेट अकाउंट है, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट अकाउंट है ना, ये सब इसी सिक्वेंस में बनाना चाहिए कि बैड डेट एंड पीवीडीडी आपस में रिश्ता रखता है, तो दोनों को बिछड़ाओ मत, साथ में रखो। डिस्काउंट अलाउड एंड प्रोविजन फॉर डिस्काउंट अलाउड, दिस बोथ आर कनेक्टेड, या प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर्स एक ही बात है, ठीक है? इनको साथ में रखो। और इस समय एक और बोला डेटर्स अकाउंट, ठीक है? बस ये 5 अकाउंट्स बनाना अपने को, क्लियर है? फॉर्मेट ड्रॉ कर लिया अपने सब ध्यान से, ये 5 अकाउंट्स बना के रेडी रखो फटाफट, फिर अपने स्टार्ट करते हैं। अभी देखो ये सारा फिगर्स ट्रायल बैलेंस पर दिया, अभी ना डेट्स पे ध्यान देना एंड कैसे करें ध्यान देना, बहुत इजी। पहला सम समझ जाओ तो पूरा चैप्टर क्लियर है, एक सम्स के ऊपर चैप्टर डिपेंड करेगा, फटाफट खड़े इसको समझ लो। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स का ओपनिंग बैलेंस 50,000, ओपनिंग बैलेंस क्यों? क्योंकि 1/1/14 दिए, ट्रायल बैलेंस का डेट क्या है? 31/12/14। और ये वैसे भी तो मालूम है, ट्रायल बैलेंस के अंदर जो पीबीडीडी होता है वो लास्ट ईयर का ओल्ड होता है, वो याद आया, वो ओल्ड पीबीडीडी होता है। तो प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स एंड प्रोविजन डिस्काउंट एंड डेटर्स दोनों का क्या है? ओपनिंग बैलेंस है।
तो जब मुझे इनका लेजर बनाना है, लेजर में मैं क्या डेट दूंगा, किधर लिखूंगा इनको? क्रेडिट साइड में लिखें बिकॉज क्रेडिट बैलेंस है। डेट कॉलम में डेट क्या देंगे? एक तारीख का डेट देंगे, जो अमाउंट है वो लिख देंगे, हाँ या ना। इट्स सो सिंपल, 50,000 और 28,000 है, तो प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट अकाउंट लिखेंगे ना एवरीवन। तो प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट अकाउंट में 1114 बाई बैलेंस ब्रॉट डाउन कितना था? 50,000 लिख दिया आपने। एंड प्रोविजन फॉर डिस्काउंट अलाउड या प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर्स, कुछ भी बोलो उसमें क्या होगा? 1114 पूरा बोलो बच्चा। बाई बैलेंस ब्रॉट डाउन कितना? 28,000। डेट कॉलम में डेट 1114, डेट के साथ बोलना है, ठीक है? चलो इसके बाद सन्ड्री डेटर्स 6,04,000, बैड डेट 56,000, डिस्काउंट आउट 22,000। ये सब तो कब का बैलेंस? ऑफिस साल के एंड का सारा क्लोजिंग बैलेंसेस है। ये जो डेटर्स है ट्रायल बैलेंस में 6,04,000, ये साल भर में सेल, सेल्स रिटर्न, बैड डेट, डिस्काउंट अलाउड, चेक मिलना, चेक डिसऑन होना, बीआर मिलना फिलना, सब कुछ होने के बाद का बैलेंस है ना यार। तीसरे तरीके साल के एंड के बैलेंसेस है, क्या करेंगे बताओ तीनों को ही? जैसे फॉर एग्जाम्पल डेटर्स का, चलो डेटर्स का 6,04,000 क्या करेंगे, कहाँ लिखेंगे? डेटर्स अकाउंट में किधर लिखेंगे? डेबिट साइड में। डेट क्या देंगे? 31st December का डेट देना है। बैक डेट में भी सेम केस, टू बैलेंस ब्रॉट डाउन 31st December का डेट देना है। डिस्काउंट अलॉट में भी टू बैलेंस ब्रॉट डाउन 31st December का डेट देना है। क्लोजिंग है तभी तो बोला 31st December 2014। सो डेटर्स अकाउंट में, बैड डेट अकाउंट में सबसे पहले क्या था? डेटर्स, डेटर्स वाले में, डेटर्स वाले में 31st December 2014 टू बैलेंस ब्रॉट डाउन। सर क्लोजिंग बैलेंस कैरेट डाउन वैसे नहीं, क्लोजिंग डेट का बैलेंस है तो ब्रॉट डाउन ही करेंगे, कैरेट डाउन तो क्लोज करते रहें करते हैं। सर कहाँ कंफ्यूज हो रहे हो आप? राइट, कितना बैलेंस डेटर्स का? 6,04,000, ठीक है। नेक्स्ट इसका था बैड डेट अकाउंट का कितना था? 56,000। बैड डेट अकाउंट का था 31st December 2014 टू बैलेंस ब्रॉट डाउन कितना? 56,000। एंड डिस्काउंट अलाउड का कितना था? 31st December 2014 टू बैलेंस ब्रॉट डाउन कितना? 22,000। पहली बात तो यहां से समझ में आया कि फॉर्मेट अपने को बहुत अच्छे से बनाना है। प्रोविजन का दोनों का बैलेंस ओपनिंग बैलेंस है, ओपनिंग डेट होगा, बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन हो गया, और बाकी तीनों का क्लोजिंग डेट देखे टू बैलेंस ब्रॉट डाउन हो गया। यहां तो कोई भी दिक्कत है? कुछ भी नहीं था, यहां तक तो बहुत सिंपल है। अब कुछ ना कुछ बोला ही नहीं, आपको खाली बोला कि प्रोविजन 10% डेटा से मेंटेन करना है और प्रोविजन पर डिस्काउंट 5% है, जैसे रिजन बनाने को इतने बोला, कुछ नहीं बोला, ठीक है। अब आप पहले तो ये बताओ मेरे, मुझे अपने ना प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स बनाते क्यों है? बैड डेट के लॉस को एब्जॉर्ब करने के लिए, हाँ या ना? बैड डेट के लॉस को एब्जॉर्ब करने के लिए बनाते हैं, इतना ही तो होता है। क्या होता है ना, इसका मतलब बैड डेट अकाउंट को क्लोज करना है बाय ट्रांसफरिंग टू द पीबीडीटी अकाउंट। बैड डेट अकाउंट को क्लोज करना है, मैं जो बात बोल उस पर ध्यान देना, स्क्रीन पर नजर रखो आप। बैड डेट अकाउंट को क्लोज करना है बाय ट्रांसफरिंग टू द पीबीडीटी अकाउंट, स्क्रीन पर नजर रखो। बैड डेट अकाउंट को क्लोज करना है बाय ट्रांसफरिंग टू द पीबीडीटी अकाउंट, इसकी जर्नल एंट्री आप स्क्रीन पर नजर रखो दोनों लेजर अकाउंट पे, अगर बता दो ना पूरा चैप्टर एकदम क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा, मेरा वादा है। पूरा चैप्टर से एक एंट्री पे डिपेंड करता है, सभी को एग्रीड? जो भाई साहब ने बोला, दीदी ने बोला कि प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट अकाउंट डेबिट टू बैड डेट, आया ना? पूरा चैप्टर खत्म हो गया, बस इसी के ऊपर है, अब कुछ नहीं बचा चैप्टर में। क्या करना है आपको,
कि बैड डेट अकाउंट को ट्रांसफर कर देना, बैड डेट के बैलेंस को ट्रांसफर कर देना पीपीडीडी में। कर तू यार, डेट क्या रहेगा? 31 दिसंबर का डेट रहेगा। आपने क्या बोला, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट अकाउंट डेबिट टू बैड डेट, हाँ है ना? तो यहाँ पे टू बैड डेट्स अकाउंट आ गया, कितना 56,000 बैड डेट अकाउंट में। बाय प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स आ गया 56,000। कहना ये चाहते हैं कि आपका बैड डेट अकाउंट तो खत्म हो गया। एंड सर इस चैप्टर में ना फोकट का 8 नंबर मिलता है, आपको पता होना चाहिए, एकदम पूरा फ्री फंड का नंबर मिल जाएगा। बस कम कहीं भी कुछ कमी मत छोड़ना, डेबिट क्रेडिट रुपीज लिखना, ये टोटलिंग करना, सब कुछ जाना, पूरा फुल एंड फुल मार्क्स। उसके बाद अब आप देखिए क्या बोला था, डेटर्स के ऊपर प्रोविजन कितना परसेंट मेंटेन करने बोला था, 10%। 6,04,000 का डेटर्स है, कोई फर्दर बैड डेट अगर कुछ है नहीं, तो 6,04,000 का 10% कितना होता है यार, 60,400। प्रोविजन मेंटेन करना है, कहने का मतलब क्या मालूम है, प्रोविजन नेक्स्ट ईयर के लिए कैरी फॉरवर्ड करना है। प्लीज जो बात बोलो उस पर ध्यान देना। अब अगला स्टेप यही है, नेक्स्ट ईयर के लिए प्रोविजन आपको 60,400 लेके जाना है, कैरी फॉरवर्ड करना है। मार्क माय वर्ड्स है कि वर्ड इंपॉर्टेंट हिंट्स दे चुका हूं, नेक्स्ट ईयर के लिए प्रोविजन अकाउंट 60,400 कैरी फॉरवर्ड करना है, मतलब नेक्स्ट ईयर का बैलेंस बीडी 60,400 होना चाहिए। क्या करना होगा, नेक्स्ट ईयर का बैलेंस बीडी 60,400 होना चाहिए। सोचो यार एक मिनट के लिए आराम से, सबको सोचने दो। That's wonderful. Two balance. Carry it down. कि next year के लिए carry forward करना है, carry forward, carry it down करना है, next year brought down इतना होना चाहिए, carry down करना नहीं आता क्या? So 31st December 14 provision for doubtful debts account में two balance, carry it down कितना रहना चाहिए, 60,400। पहले ये लिखिए। अब आप बोलोगे सर बैलेंस सीडी तो वैसे ही आता है, डेबिट माइनस क्रेडिट करके आता है। भाई यहां पे इतना रखना है हमको, हमको पता है, तो टू बैलेंस सीडी पहले लिख दिया मैंने। इसके बाद बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ब्रैकेट में बैलेंसिंग फिगर, बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ब्रैकेट में जो बचेगा बैलेंस में लिखना मत भूलना, कितना बचेगा बता सकते हो? 66,400। ये समझ में आया कि ये सब सब कुछ करने के बाद जो बैलेंस बचा उसको पीएल में ट्रांसफर कर देना है, राइट? रादर पीएल से हम इस बार इतना रुपए का प्रोविजन बना रहे हैं, कितना 66,400 का बना रहे हैं। एंड एक चीज तो पता ही है, दैट कैरेट डाउन के बाद अपने को ब्रॉड डाउन करके छोड़ना होता है ना, हाँ या ना? कोई शक यहां तक किसी को भी? एनीवन एनी प्रॉब्लम? नहीं। अब अभिषेक बताओ मेरे को, फाइनल अकाउंट्स में क्लास 11 से एक चीज याद है, दैट प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर्स कैसे निकालते हैं? पहले तो डेटर से बाकी सारा एडजस्टमेंट हो जाता है, फिर पहले प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट कैलकुलेट करते हैं, 10% जो भी वो माइनस कर देते हैं, फिर बचा हुआ डेटर्स के ऊपर हम लोग प्रोविजन फॉर डिस्काउंट कैलकुलेट करते हैं, हाँ या ना? याद है? तो यार यहां पे ना आपका डेटर्स कितना था, 6,04,000 था, उसमें से अगर फाइनल अकाउंट का सम्स होता अभी यहां तो पीबीडीडी कितना 60,400 कैलकुलेट करते हैं, तो कैलकुलेट करने के बाद आपका डेटर्स कितना बचता, 543,600 बचता, हाँ या ना? चलो एक बार के लिए यहीं पर रखते हैं इसको, पहले दूसरी बात करते हैं। आप बताओ जैसे बैड डेट अकाउंट को आपने कहां क्लोज किया था, पीबीडीडी में ट्रांसफर करके, हाँ या ना? क्योंकि बैड डेट एंड पीबीडीडी का कनेक्शन है,
तो वैसे प्रोविजन फॉर डिस्काउंट अलाउड कनेक्शन किसके साथ होता है? डिस्काउंट अलाउड के साथ। डिस्काउंट अलाउड अकाउंट को भी क्लोज कर, सिर्फ स्क्रीन पर नजर को मेरी बात सुनते रहो, डिस्काउंट अलाउड को क्लोज कर देना बाय ट्रांसफरिंग टू द प्रोविजन फॉर डिस्काउंट अकाउंट। जर्नल एंट्री फ्रेम करो ना इसकी, डिस्काउंट अलाउड अकाउंट के बैलेंस को क्लोज कर देना बाय ट्रांसफरिंग टू द प्रोविजन फॉर डिस्काउंट अलाउड अकाउंट। इसका जर्नल एंट्री प्रोविजन फॉर डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट सभी कोई टू डिस्काउंट अलाउड अकाउंट टू प्रोविजन फॉर डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट। डेट क्या है? 31 December 2014 टू डिस्काउंट अलाउड अकाउंट कितना रुपया होगा? 22,000। By provision for discount account, 22,000। पहले बताइए खत्म, मतलब डिस्काउंट अलाउड अकाउंट का कहानी खत्म हो गया। अब आप क्वेश्चन फॉलो कीजिए, अपने को प्रोविजन फॉर डिस्काउंट बनाने कितना बोला है? कितना बनाने बोला है जल्दी बताओ? 5%। तो 5% हमको किसके ऊपर बनाना है? 5,43,600 के ऊपर बनाना है ना। 5,43,600 के ऊपर 5% कितना? 27,180। इतना अपने को प्रोविजन बनाना है, 27,180, 27,180। मतलब क्या? इतना अपने को कैरी फॉरवर्ड करना है नेक्स्ट ईयर के लिए, इतना कैरी फॉरवर्ड करना है नेक्स्ट ईयर के, इतना बैलेंस बीडी होना चाहिए। तो क्या करना होगा? प्रोविजन अकाउंट, प्रोविजन फॉर डिस्काउंट अलाउड में नेक्स्ट ईयर इतना बैलेंस ब्रॉड डाउन रहना चाहिए, इतना कैरी फॉरवर्ड करना है। जल्दी बताओ क्या करना है? टू बैलेंस कैरेट डाउन। डेट 31 December 2014। सो डेट 31 December 2014 टू बैलेंस कैरेट डाउन अमाउंट इज 27,180। So, by profit and loss account bracket में balancing figure 21180 perhaps, शायद, please check। So it's 1,115 by balance brought down 27,180। Next day balance brought down करना मत भूलना, right? Next day ने balance brought down करना मत भूल जाना। Is it done यहां तक everyone? ये चारों अकाउंट का कनेक्शन क्लियर है? बैड डेट और पीवीडीडी का, डिस्काउंट अलाउड है, इसका पूरा क्लियर है ना यार? चलो कुछ भी नहीं इसके बाद। तो डेटर्स अकाउंट, आपने अभी जब प्रोविजन बनाया इस साल, आपने जब प्रोविजन फॉर बैड डेट्स या प्रोविजन फॉर डिस्काउंट अलाउड जब बनाया, क्या आपने कहीं भी डेटर्स वर्ड यूज किया है? टू डेटर्स या बाई डेटर्स? नहीं ना। कहना ये चाहते हैं फाइनल अकाउंट में डेटर से लेस तो करते हैं, बट दैट डज नॉट मीन कि डेटर्स अकाउंट में वो आएगा। डेटर से लेस करने का था डेटर्स ऑन क्रेडिट होना, नॉर्मल सेंस में तो बिल्कुल बात सही है, बट फाइनल अकाउंट में जो लेस कर दिखाते हैं ना, वो सिर्फ एक मैटर ऑफ प्रेजेंटेशन है कि डेटर से कनेक्टेड है वो, राइट? वो सिर्फ मैटर प्रेजेंटेशन है। डेटर्स अकाउंट में डेबिट क्रेडिट नहीं हो रहा, होता तो जर्नल एंट्री में आता, लेजर अकाउंट्स में आता, कहीं भी आया क्या? नहीं आया ना। बोलना ही चाहते हैं फिर रिपीट करो, डेटर्स अकाउंट में बाय पीबीडीडी या टू पीबीडीडी या बाय प्रोविजन
फॉर डाउटफुल डेट्स टू प्रोविजन फॉर डाउटफुल कुछ भी नहीं आएगा। कहना क्या मतलब ये है दैट अपने पास अभी जो डेटर्स अकाउंट था एज इट इज कैरी डाउन रह जाएगा, ब्रॉट डाउन हुआ था एज इट इज बाय बैलेंस कैरेट डाउन। टू बैलेंस ब्रॉट डाउन दैट्स इट। ये इस चैप्टर का एंटायर बेसिक्स है। इजी है, कुछ भी नहीं था सम्स के अंदर, हाँ है ना, इसके ऊपर बेस पूरा एक चैप्टर है, हम लोग कोई भी सम्स कर सकते हैं इसके ऊपर, राइट ना। दिस वन सिंगल वीडियो विल फेच यू 8 मार्क्स, ये पूरा 8 नंबर आपका आ जाएगा। अगर आप इस कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझ लियो ना, आपको पूरा 8 नंबर आ जाएगा। अगर आप कोई वीडियो सही लगा है, अच्छा लगा है, लग रहा है कॉन्फिडेंस बूस्टअप हो रहा है, पहला काम तो ये करो कमेंट सेक्शन में ये लिख दो कि आपको और क्या चैप्टर्स का फास्ट ट्रैक वीडियोस चाहिए। मैं प्रॉमिस करो मैं सारा चैप्टर की वीडियो आपके लिए डालूंगा। एंड सेकंड, शेयर इट विद योर फ्रेंड्स एंड आल्सो टू सब्सक्राइब टू द चैनल, एज्यूमिंग आपको सब्सक्राइब कर चुके हो। थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट फॉर एग्जाम्स।